लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, आइए आइए। धारीलाल जी साथ नहीं आए? अरे वो कभी मेरे साथ में चलते हैं क्या? बस जब मुझसे दूसरी शादी की थी ना, तो डोली में साथ में बैठे थे, बस उसके बाद से बस काम काम काम। काम करना तो अच्छी बात है भाभी। अरे क्या खाक अच्छी बात है, देखो ना पप्पू की बर्थडे थी, मैंने उनको कहा कहीं से बहुत सारे खिलौने लेकर आई, कहीं से जाकर एक सड़ा गला खिलौना लेकर आई जिसको चाबी देते ही टूट गया। बस तब से पप्पू ने रट लगाई है कि अमर अपनी की शॉप में चलेंगे, वहाँ बहुत अच्छे खिलौने मिलते हैं। चलो पप्पू, अरे चल ना, खड़ा क्या है, संभल के पप्पू। जो चाहिए वो लेना। हाँ जी, बच्चों को खिलौने दिखाने। यस सर। बाबा ये हाथी चाहिए, हाथी ये ले लीजिए, और ये देखिए ये जीप है, बहुत तेज चलती है, ये भी चाहिए आपको? ये ले लीजिए, और ये देखिए ये है ट्रेन, चुक चुक चलती है, ये भी चाहिए आपको? ये ले लीजिए। और बाबा आपको क्या चाहिए? मम्मी मैं ये घोड़ा ले लूं? शट अप, बांस की तरह से बड़ा हो गया, अब खिलौने से खेलेगा नहीं मिलेगा। चलो पप्पू बेटा वो भी ले लो। हाँ अरे वो पीछे जो कार रखी है ना, ये ले जाओ मैडम आपके पैकेट। थैंक यू। चलो बेटा, ये लो बेटा तुम्हारा घोड़ा। लेकिन अमर बाबू, ये मेरी तरफ, आप इसकी आदत खराब कर रहे हैं। नहीं छाया बहन, वैसे तो आपने इसकी भलाई के लिए कहा कि ये बड़ा हो गया है, इसे खिलौने से नहीं खेलना चाहिए, लेकिन आप खामो खा दुनिया को ये कहने का मौका क्यों दे रहे हैं कि ये आपका सौतेला बेटा है। यू आर राइट, ले ले बेटा, ले ले। चलो बाबू पार्सल उठा दो, ये शाबाश शाबाश, चलो चलो चलो। अरे चलना, खड़ा है। मर गया हाथी, फिर कहाँ से लड़ू? हाथी की टांग टूट गई, हाथी गिर गया, हाथी डर गया, पप्पा आ गया, पप्पा आ गया। पप्पा बताओ बेटा हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? चला पप्पा, पहले पप्पी दो ये देखो।
पापा कितना अच्छा खिलौना है, मम्मी को दिखाओ। मम्मी 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 माँ माँ देखो पापा कितना अच्छा खिलौना लाए पापा ने ना। लोग भगवान से बात करते हैं और मेरी बिट्टो मरी हुई माँ से। काश मेरी बिट्टो को जीती जागती माँ मिल जाए। दयाल अगर इसे जीती जागती माँ अच्छी नहीं मिले तो इसका जीना मुश्किल हो जाएगा। और फिर मेरी बेटी को क्या कमी है, मैं ही इसका डैडी हूँ, मैं ही इसकी मम्मी हूँ। क्यों बेटे क्यों बेटे मलिक 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 अखियों में छोटे छोटे सपने सजाएंगे, बहियों में नींदिया के पंख लगाएंगे, चंदा में झूले मेरी बिटिया रानी चांदनी रे झू। कली है प्यारी मेरी सारी बगिया में, हो यही तो कली है प्यारी मेरी सारी बगिया में, मैंने ही मोती पाया जीवन नदिया में, ममता लुटाऊं ऐसी मच जाए धूम चांदनी रे झूम। अखियों में छोटे छोटे सपने सजाएंगे, बहियों में नींदिया के पंख लगाएंगे, चंदा में झूले मेरी बिटिया रानी चांदनी रे झू। मालिक अभी तो ये बच्ची है, आप इसे सजा रहे हैं, नहला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, जब ये 10-12 साल की होगी तब माँ का फर्ज कैसे पूरा करोगे? दयाल मैं सब समझता हूँ। जब समझते हो तो फिर मालिक कब करोगे शादी? पापा पापा कब होगी मेरी शादी? अब दो जाओ। अरे मुन्नी पहले पापा की शादी होएंगी, उसके बाद मुन्नी के लिए नई मम्मी आएंगी। कब आएगी मेरी माँ? अरे मुन्नी मैंने बोला ना पहले पापा मम्मी को पसंद करेंगे, फिर बारात चलेगी, फिर बाजे बजेंगे, उसके बाद मुन्नी की आएगी अम्मी और खुश होगी मुन्नी। बस 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 बारात चढ़ चुकी है, अब जा जाके खाना पका। दे दे। अरे ये खत तो मेरे भाई ने मुझे लिखा है, और ये दूसरा खत तेरा तेरा नहीं मालिक का। हाँ मालिक का यार। हे मनमोह जी। हाँ जी। अबे 5 किलोमीटर दूर क्यों नजदीक आके मेरी बात सुन। देख वो जो अपना बनिया भाई है ना, हाँ हरी भाई, हाँ जी, उसके पास जाके 2 किलो तुअर की दाल लेकर। तुअर की? तुअर की नहीं डुक्कर की। अबे तुअर की दाल ला, तुअर की। और सुन उसको समझा देना आजकल उसके माल में बहुत गड़बड़ है, लाल मिर्ची के अंदर लाल रंग मिलाता है, हल्दी के अंदर पीला रंग मिलाता है, ठीक तरह से अगर उसने मसाला नहीं भेजा तो मैं उसके अंदर मसाला भर दूंगा, जाके बोल दे उसको। हाँ जाएगा काका। चलो जीरे में कचरा मिला के भेजता। अरे झुमका गिरा रे सजनिया ससुरी आंगन में, ससुरी का ये तो भाई का खत है। श्री भाई साहब प्रणाम। प्रणाम।
मैं यहाँ राजी खुशी हूँ, तो मैं कौन सा दुखी हूँ। आशा है आप अमर भैया और आरती राजी खुशी होंगे। हाँ, बड़े मजे में है भाई साहब। मुझे ये लिखते हुए बहुत दुख होता है और तकलीफ होती है कि इस महीने आप मुझे 100 रुपया ज्यादा भेजिए। भैया ये सुन के तेरे से ज्यादा मुझे दुख होता है कि 100 रुपया ज्यादा भेजो। क्या रिजर्व बैंक मेरे बाप की है, वहां से निकालूंगा भेज दूंगा। क्या भेज दोगे? देखिए ना मालिक, भाई ने इस बार 100 रुपए ज्यादा मंगाए। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। ठीक है भाई, अगर मंगाए तो भेजने ही पड़ेंगे। विजय बीए में पढ़ रहा है और बम्बे की छोटी मोटी जगह नहीं, वहाँ तो पानी भी पैसे से मिलता है। मालिक वो मोती ने चिट्ठी लाके दी। हाँ, कमला दीदी की थी, कल चाय पे आ रही है। कमला दीदी आ रही है? वाह, ये अब टाल मटोल नहीं चले। अब ना हम हाँ सुनेंगे ना ना, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। हाँ भैया, ये तो मैं भी कह रही हूँ, लड़की जात की जिम्मेवारी अकेला आदमी नहीं उठा सकता, घर में स्त्री का होना बहुत जरूरी है। आंटी मैं मोती को बिस्किट खिलाऊं? हाँ बेटा, लो जाओ खिलाओ। भागो 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 भागो। दीदी घर में मालकिन का होना बहुत जरूरी है, यही तो मैं भी कहता हूँ। तुम तो ये कहते हो कि मैं कुएं में कूद पड़ूं। शादी करना कुएं में कूदना है? हमेशा उल्टी बात भैया। उल्टी बात नहीं दीदी, सीधी और सच्ची बात। श्री राम के बनवास का कारण उनकी सौतेली माँ थी। कुणाल की आंखों की रोशनी उनकी सौतेली माँ ने छीन ली थी। अब दूर क्यों जाते हैं, अपने पड़ोसी गिरधारीलाल के बच्चे को देख लो, कितना दुख देती है उसकी सौतेली माँ। आप जानते हैं जीजाजी, एक दिन उस बेरहम ने गर्म चिमटे से उसका हाथ जला दिया था। अमर, सारी सौतेली माए एक जैसी नहीं होती। मुझे भी सौतेली माँ ने पाला था, इतना प्यार दिया है कि शायद सगी माँ भी नहीं देती। आज भी उनकी याद आती है तो आंखें भर आती। अरे ये तो सबको एक ही तराजू में तौलता है, दो चार बच्चे होते तो कुछ न कहती, एक ही तो बच्ची है। अब भैया अभी तुम्हारी उम्र भी क्या है? इसीलिए तो कहता हूँ दीदी, घर सुना सुना लगता है। मालिक तो दफ्तर चले जाते हैं, बिट्टो स्कूल चले जाती है, और मैं अकेला इस घर के अंदर भूत की तरह घूमता रहता हूँ। जब तंग आ जाता हूँ तो दूसरे नौकरों के ऊपर कुत्तों की तरह वाव वाव भौंकने लगता हूँ। गरीबों से भौंकते हो, काटते नहीं। देखा दीदी, मेरी हर बात ये इसी तरह से उड़ा देते हैं। मेरा भी आज आखिरी इमली का मेटम है। इमली का मेटम नहीं, अल्टीमेटम। हाँ वही, मुझे मालकिन और मेरी बिट्टो को माँ चाहिए। मैं जानता हूँ दयाल, मैं जानता हूँ बिट्टो को माँ चाहिए, मुझे भी तो पत्नी चाहिए, लेकिन मुझे डर है कहीं वो तुम दोनों का जीना हराम ना कर दे। मालिक अगर लगाम आप हाथ में रखेंगे तो क्या मजा ले घोड़ा घास खा जाए। और फिर ये तो बात की बात है, दयाल सब संभाल लेगा, है ना जीजा जी? अरे हाँ हाँ भाई, तुम्हारे मालिक के लिए अच्छी से अच्छी लड़की लाएंगे। बंबई में हमारे एक दोस्त है शांति स्वरूप, उनकी दो लड़कियां हैं। अरे बहुत अच्छी लड़कियां हैं, मैंने देखी है भैया, दोनों में से जो तुम्हें पसंद आएगी उसी से शादी हो जाएगी। और हाँ, इन दोनों लड़कियों में बस ये समझो कि साल डेढ़ साल का फर्क है। दोनों बड़ी खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, स्वभाव की बड़ी अच्छी हैं। अरे तो खत लिख दो ना कि अमर लड़कियों को देखने आ रहा है। लेकिन खत में ये जरूर लिख दीजिएगा कि लड़का एक बच्ची का बाप है। अरे तो इसमें छुपाने की क्या जरूरत है, अपन बिट्टो को भी साथ ले चलेंगे। अरे भाई ये सब तो मैं उनसे कह चुका हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम जाना कब चाहते हो? होली से कुछ दिन पहले। तो वेरी गुड, मैं उनको ट्रंक कॉल कर देता हूँ, खत्म हुई बात। इस बात में मुंह मीठा करो, लो पहले दे दिया। इनको तो मैं खिलाऊंगा। दयाल जी। मालिक जानते हो सबसे गहरा कौन है? समंदर मालिक। गलत, समंदर की गहराई तो नापी जा सकती है। फिर कौन है मालिक? स्त्री का दिल, इसे नापना बहुत मुश्किल है। मालिक किसी के दिल और दिमाग के अंदर घुस के नापने की अपने को क्या जरूरत है? जरूरत है, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा दयाल, जिसके दिल में आरती के लिए प्यार होगा, ममता होगी। ये कैसे पहचानोगे? नौकर बनकर, मैं नौकर बनकर लड़की देखने चलूंगा। और मालिक तुम? मैं? हाँ तुम, तुम अमर बनकर चलोगे और मैं दयाल। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप? मजाक नहीं दयाल, आरती के लिए मुझे एक अच्छी माँ की जरूरत है और उसे पहचाने का यही एक तरीका है। आपको नौकर बनने की क्या जरूरत है, मैं तो बना बनाया नौकर हूँ, मैं लड़की पसंद कर लूंगा। तुम सिर्फ दाल भाजी और आटा पहचान सकते हो, लड़कियों की बात और है। देखने दिखाने वक्त सब लड़कियां भोली या बोली बन जाती है, जैसे कुछ जानती नहीं। असली भेद तो शादी के बाद खुलता है। मालिक एक बात बताओ, अब ये जूता सर पर रखने से क्या ये ताज बन जाएगा? ये जूता ताज की जगह तो नहीं ले सकता दया, लेकिन ये जूता ताज दिलवा जरूर सकता है, और वक्त आने पर यही जूता ताज उतरवा भी सकता है।
लेकिन मालिक मैं अपनी औकात कैसे भूलूं? देखो अगर तुम चाहते हो मैं लड़की देखने चलूं तो मेरी बात मानी होगी। लेकिन मालिक मैंने आपका नमक खाया है, उन लोगों के सामने मैं आप पर रोक कैसे करूंगा? ठीक है फिर जाने। नहीं 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 मालिक जरूर जाएंगे, अब बिट्टो को माँ की सख्त जरूरत है। बिट्टो आ गए। पापा पापा नहीं ना कभी लाएंगे। देखो बेटा आज से तुम इनको पप्पा कहना। हाँ कुछ दिनों के लिए वरना नहीं मानी आएगी। बोल दे। हाँ बेटा बोल दे। अरे मेरी चमकदार बेटी, चमकदार बेटी। मालिक। हाँ मालिक जरा मेरे पास आओ, मैं आपके लिए जूस लाया हूँ। तुम ले आओ नहीं रहे। मालिक मैं दो माले पे खड़ा हूँ। दो माला? चार माला नहीं मालिक, दो माला। जरा नीचे देखो। मालिक ये आपने क्या क्या मालिक जब आप हंस रहे तो वो देखने वाले कैसे हंसे ही ना। मैंने कुछ भी नहीं पहना, जब तक धोती नहीं पहनू ऐसा लगता मैं नंगा ही हूँ मालिक। अच्छा देख तू 10-15 दिन रेस कर, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा और ये मुझे मालिक मालिक मत के दयाल बोले का आदत डाल। अच्छा मालिक। अरे मालिक नहीं दयाल, वही तो बोल रहा हूँ दयाल मालिक। अरे सिर्फ दयाल मालिक में बोल तो रहा हूँ मालिक दयाल। मैं कहता हूँ सिर्फ दयाल, 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 मालिक, मालिक, दयाल, दयाल, मैं, मालिक। मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे ये सजा क्यों दी भगवान ने? आज घर में मेहमान आने वाले हैं और आज इस मोबाइल के कोने को उठना था। अरे दबा दबा दोस्ती दोस्त दबा। मुझे लगता उतर गया, उतर गया। एक तुम ही तो हो जिसके सामने मैं अपना दुख रो सकती हूँ। तुम मेरे नाथ हो फिर भी मैं अनाथ। क्या तुमने मेरे भाग में एक भी दिन सुख का नहीं देखा? आज एक खीर में नमक मत डाल देना। अरे शिवन महाराज नमक के बगैर मन नहीं का गुजारा, नमक मत करो। अरे शिवन महाराज बंसी, मालूम है ना आज मेहमान आ रहे हैं। देखो अमर बाबू के लिए शुद्ध घी में खाना बनाना और उनके साथ कोई नौकर चाकर हो तो उनके लिए तेल में बना लेना, समझ गए? समझ गया। बंसी अमर बाबू के नहाने के पानी में केवड़ा डालना और साथ में कौनो नौकर चाकर हो तो कह देना बंबई में पानी की कमी है, अपने घर जाके नहा लेना। और सुनो गीता के बाजू वाले कमरे में डाल देना। मगर माँ जी खोली में लाइट नहीं है, बल्ब लगा दे। अरे बिजली की कटौती है, पड़ा रहेगा अंधेरे में। शिवन नाश्ते में क्या क्या बनाओगे? मालिकन जवाब कहे। आलू की टिकिया, समोसे, बादाम का हलवा और जो तुम्हारी समझ में आए जल्दी करना, मेहमान आते ही होंगे। अच्छा। देख अब कुछ हलवे में गड़बड़ मत करना। हलवा बनाओ महाराज तुम। छुरी जाओ, फटाओ छुरी। हम तो बनाए आलू का टिकिया। आओ चलाओ। ओ मम्मी मास्टर जी तो यही सिखाने आए हैं कि आने वाले मेहमान के सामने कैसे मटक मटक कर चले ताते। अरे बहुत मटक लिया, चल जल्दी तैयार हो जा। मास्टर जी आप लोग जाइए, चल। तोबा तोबा तोबा, मैंने दुनिया भर के लड़के देखे लेकिन तेरे जैसी लड़की नहीं देखी। अरे बनने संवरने भी कोई इतना वक्त लेता है? मगर मम्मी मैं क्या पहनूं मेरे कुछ समझ में नहीं आता। कुछ भी पहन ले बेटी, तू खुद एक जेवर है। अरे ये देख ये इसका जोड़ा है, ये पहन ले। हा 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 कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जल्दी तैयार हो जा, जल्दी से आ जा। अरे रे रे ओहो वाह बेटा। हा 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 अभी तक आप यहीं बैठे हैं, मैं समझे स्टेशन पहुंच गए होंगे। ओहो ये तिवारी हारे नहीं मानता, मैं क्या करूं? भाभी जी आज मेरी बाजी बहुत तगड़ी है। अरे कूड के बच्चे तेरा कोई आगा पीछा भी है? मालकिन मालिक मेहमान आ गए। आ गए? ओहो तिवारी तुम जमे रहो निया, मैं भी चलो 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 अभी आया। चलो जल्दी चलो। अहो भाग्य अहो भाग्य अहो भाग्य, आइए आइए पधारिए। मैं हूँ शांति स्वरूप और ये मेरी धर्मपत्नी दुर्गा।
ये हमारे मालिक हमारे नौकर दयाल बाबू। बाबू नहीं सिर्फ दयाल। मालिक पहुंचो। आपको मजाक करने की आदत है। आपको भी पकड़ लेता हूँ। आइए आइए पधारिए। आइए आइए आइए। ये मेरी बड़ी बेटी है शोभा, वो मेरी छोटी शीला। और आप? ये तो हमारी नौकरानी है। आइए। लेकिन वो मेरे दयाल के बारे में आपने क्या प्रबंध किया? गीता, इनके नौकर को अपने बराबर वाली कोठी में ठहरा दे। जा आइए। ये है झाड़ू, इससे जमीन साफ करिए, फिर नीचे बिस्तर लगा के आराम करिए। और देखिए पास वाले कमरे में मैं रहती हूँ, मेरा नाम है गीता। आपका क्या नाम है? दयाल। कमाल की लड़की है, हाथ में झाड़ू थमा के भाग गई। ये नहीं कि खुद ही झाड़ू लगाती है। नहीं ये झाड़ू लगा। कोई कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे बुलाइएगा। हाँ गीता। दया कितनी प्यारी प्यारी बातें करती, पहले कुछ खाओ बाद में दूध पीना। अमर बाबू, अमर बाबू। हाँ हमारे गरीब खाने में कोई कष्ट नहीं हो रहा आपको? देखिए ये कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहाने के पानी में केवड़ा, पीने के पानी में बेवड़ा। नहीं नहीं गुलाब जल, गुलाब। हाँ वही गुलाब जल, सनलेट साबुन की जगह केसर कस्तूरी का उपटन। मुझे कोई तकलीफ नहीं है ना बेटा, कोई तकलीफ नहीं कोई। ले जी मम्मी, ये आलू की टिक्किया मेरी शोभा ने बनाई है। ले जी। वाह 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 वाह, क्या टिक्किया है। जी चाहता है टिकिया खा के यहीं टिक जाओ। ये समोसे मेरी बेटी शीला ने बनाया है। लीजिए। लो बेटा खा। मिर्ची है। मिर्ची है? अरे लो 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 बेटा, ये हलवा खाओ। था ये शोभा की माँ ने बनाया है। बादाम का हलवा। ये आपने बनाया है? जी हाँ। आपके रसोई ने क्या बनाया? यही कुछ मिर्ची मसाला। वाह वाह बड़ा कारीगर आदमी है, अच्छे नौकर की तो इज्जत करनी चाहिए। जी जी जी। शोभा बेटी तू जरा आरती को खिला। मम्मी मैं खिला दूं आरती? मैं खा लूंगी, थैंक यू। हाँ मालकिन। मालकिन आप मुझे माता जी कहिए। हाँ माता जी, आपने मेरे दयाल को खाने वाने को कुछ दिया है? अब भी भिजवाती हूँ। बेटी गीता से कह दे दयाल को कुछ चाय वाय दे दे। अब भूलेगी किसको, आइडिया भी मेरा ही तो था। चाय। अरे हाँ चाय चाय चाय, थैंक यू। करो जी। हाँ चाय, शरबत नहीं, जरा आहिस्ता पीजिए। आप बैठे। एक बात आपसे पूछनी थी, मेरे मालिक जो लड़कियां देखने आए हैं वो कैसी हैं? बहुत अच्छी, आपने भी तो देखी है। नहीं नहीं देखने वाली बात नहीं, उनका स्वभाव कैसा है? बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, दोनों में से सीधी कौन सी है? दोनों सीधी है। कोई तो आड़ी टेढ़ी होगी? जी नहीं, आड़ी टेढ़ी कोई भी नहीं। मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछे। आपके मालिक कुछ घनचक्कर हैं क्या? ये आप क्या कह रही हैं? देखो आप अपनी मालिक की बुराई नहीं सुन सकते ना, मैं भी नहीं सुन सकती। मेरे मालिक की लड़कियां आपके मालिक से बहुत अच्छी। नहीं 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 नहीं, आप मेरा मतलब नहीं समझे। जी मैं सब कुछ समझती। ये क्या सिर्फ चाय? क्या बॉम्बे में मेहमानों की सिर्फ चाय से खातिर की जाती है? समोसे और टिकिया कहाँ है?
मालिक अच्छी है ये नौकरानी। नौकरानी को छोड़ो मालिक, ये बताओ शीला और शोभा में से कौन सी अच्छी? तुम्हें कौन सी अच्छी लगी? मालिक मेरे अच्छे लगने में क्या है, आपको अच्छा लगना चाहिए ना, आपको कौन सी अच्छी लगती? ठीक है देखेंगे परखेंगे, तुम जाओ आराम करो। मालिक मैं वहां आप यहाँ, मेरा दिल टुकड़ा नहीं दयाल, कुछ ही दिनों की तो बात है, तुम जाओ आराम करो। मालिश कर दूं? नहीं अभी नहीं, थोड़ी सी। नहीं मूड नहीं, जाओ ना। माफ करना बासमती। देख चतु, मेरा नाम बासमती नहीं सीता है। लेकिन हर खुशबूदार चीज का कोई ना कोई नाम होता है, और क्योंकि तुझ में भी एक खुशबू है इसलिए मैंने तेरा नाम बासमती रख दिया। और एक बात और समझाऊं, श्रीमती और बास को मिला दो तो बासमती हो जाता है। चतु, हाँ। तेरी मती भ्रष्ट हो गई। जाके अपने दिमाग का इलाज करवा ले। दिमाग ही का है जो इलाज कराऊं, यह तो सिर्फ बासमती ही बासमती है। बासमती इधर आ रहे, मैं संभल के चलना भैया। एक थाली वाले परिवहन महाराज, हमका अंधेरे में बहुत दूर दूर तक दिखाई पड़ा था। अच्छा, अरे पहुने राजा, अंधेरे में ही लेट रहे हो, अरे ये ऊपर क्या कर रहे हो? बल्ब नहीं है। अरे बल्ब लेके आयो, ये लो। जरा संभाल के लगावा, नहीं तो करंट मारी लटक जाएगा। चल भंसी तेरा बटन दबा। अरे भैया इस घर में सारी कार कटौती नौकरों के लिए होती है। जा जल्दी फ्रिज में से ठंडा पानी लेके आ। ठंडा पानी अब इसको तो बुझा दीजिए, बत्ती जल रही है। बत्ती जल गई है। अपने लिए असली घी और नौकरों के लिए तेल, मगर ये नहीं जानती कि सिब्बन महाराज तेल का घी और घी का तेल करना भी जानता है। राजा बाबू अच्छी तरह खाओ, शुद्ध घी में बना के लाया हूँ। लेकिन ये तो अपने मालिक के साथ धोखा है। अरे भैया यहाँ मालिक खुद धोखे में है, यहाँ मालिकन का राज चलता है। ए बिटिया, ये घड़ी में देख कितना बजा है। सवा ग्यारह। तो फिर सो जाना। नींद नहीं आती है। यही तो मेरा भी रोना है कि नींद नहीं आती। ये नरम नरम बिस्तर पे अमीर लोग कैसे सोते हैं, इस पे तो गधा भी नहीं सो सकता। लोरी गाओ ना। बिटिया मेरी माँ ने मुझे कभी लोरी गा के नहीं सुलाया। गाओ ना। अच्छा गाता हूँ। ओ जा, क्या वो अच्छी तरह गाओ ना। ऐसा बोलना। ओ जा बेटा, मैं तुम्हारे पापा के जैसा नहीं गा सकता। मैं एक काम करूँ, मैं तुमको तुम्हारे पापा के पास लेके चलता हूँ, वो तुमको लोरी गा के सुना देंगे। मैं जाऊंगी। क्यों, तुमको जगह मालूम है? हाँ। तो फिर जाओ। अच्छा बड़े तो बड़े, छोटे भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। अब मैं कैसे सुना, भगवान कहाँ फंसा दिया। यही तो कली है प्यारी मेरी सारी बगिया में, है प्यारी मेरी सारी बगिया में। मैंने यही मोती पाया जीवन नदिया में, ममता लुटाऊं ऐसी मच जाए धूम चांदनी रे धूम, ओ चांदनी रे धूम। अखियों में छोटे छोटे सपने सजा के, पहियों में नींदिया के पंख लगाए के, चंदा में झूले मेरी बिटिया रानी चांदनी रे धू, ओ चांदनी रे धू। Thank you.
जाना है। ओ क्या क्या ने तेरे लिए भेस बनाया है, क्या नहीं बीती फिर भी तुझे बहलाया है। तेरे लिए मैं रहा गली गली घूम चांदनी रे धूम, ओ चांदनी रे धूम। अखियों में छोटे छोटे सपने सजा के, पहियों में नीलिया के पंख लगा के, चंदा में झूले मेरी बिटिया रानी चांदनी रे धूम, ओ चांदनी रे धूम, चांदनी रे धूम, ओ चांदनी रे ये शतरंज छोड़ा की माँ शतरंज बड़े बड़ो मात दे रहे, बड़े बड़ो को दांत खटे कर दिए, बड़े बड़ो को मात दिए। उस तिवारी का बच्चा हराम खोर आज तक जीत नहीं जरा मुझसे। बचाओ अपने वजीर को, बचाओ मेरी जान, बचाओ। खुल गई तकदीर, मुर्गी को सपने में भी दाने। आदि सुनते हो? बोल बंसी, उठो भाई। तुम क्यों उठ बैठी हो? ओहो मार खाई मैंने तुमसे। सपने में? मैं तुम्हारी तरह लापरवाह थोड़ी हूँ, शोभा की शादी का सपना देख रही थी। क्या क्या देखा था सपने में? सपने में देखा अमर के साथ शोभा की शादी होगी। मुबारक मुबारक, शोभा का सपना हमेशा सच्चा निकलता है। मैं कहूँ अमर की शादी शोभा से ही होगी। पर ये बताओ शोभा अमर के साथ निभा सकेगी? क्यों निभा क्यों नहीं सकेगी? अमर बड़ा ही सीधा साधा, बल्कि ये कहिए बुद्धू है। हमारी शोभा पढ़ी लिखी होशियार फैशनेबल, कैसे मिलेंगे दोनों के स्वभाव? जैसे हम दोनों के मिले। मैं क्या फैशनेबल थी? नहीं मगर मैं बुद्धू था, बुद्धू हूँ और बुद्धू रहूंगा। जोरू का गुलाम। अरे साला ये दूध वाला सुबह सुबह चलाता, इतने बार कहा इतनी जल्दी मत आ। नहीं भैया आधा घंटा बाद में लाओ फिर दूध ले। अमर बाबू, अमर बाबू आप सब गड़बड़ हो गए। मैं समझा कि मैं भोपाल में हूँ, वहां दूध वाला जल्दी आ जाता था। मैं अपने घर की याद आई जाती। कहिए रात अच्छी कटी? नहीं हाँ हाँ कटी तो अच्छी है। तकलीफ कैसे होगी? बस मैं यही पूछना है, आराम कीजिए। ये लीजिए चाय। अरे वाह आज तो बिस्किट भी है। जी हाँ उस दिन डांट पड़ी थी ना, बैठ के कीजिए। आप नहीं पीएंगे? ये हाँ चाय है, शरबत नहीं। कहाँ चले गए थे आप सुबह सुबह? मैं खोली में गई थी आपको ढूंढने। वो आरती रात को मेरे कमरे में सो गई थी ना, मैं मालिक के कमरे में गया था उसे छोड़ने। आरती आपको बहुत प्यार करती है? मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे? अभी तो मैं खुद ही बच्चा हूँ। तो आपकी शादी नहीं हुई? नहीं लेकिन शादी का इरादा है, पर अभी तक ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जो मेरी पसंद की हो। कैसी लड़की चाहिए आपको? ऐसी लड़की जो मेरी आरती को ये महसूस न होने दे कि वो उसकी सौतेली माँ है, जो घर का ख्याल रखे और मेरी आरती को
दुनिया भर की खुशियां दे। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी आपकी बेटी है। मेरा मतलब है अब मालिक की बेटी अपनी बेटी के बराबर ही होती है ना। जी हाँ, आपकी बच्ची ऐसी जो उसे देखे दिल दे बैठे। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, जब दिल को भा जाए तो दिल देना ही पड़ता है। ऐसा होता है। हमारी संस्कृति और संस्कार कहते हैं कि घर आया हुआ मेहमान भगवान का रूप होता है, उसकी देखभाल करना हमारा धर्म है। न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। और बेटे, अमर तुम्हें देखने आया है। मुझे? हाँ, तुम्हें और शीला को। और तुम दोनों में से जो भी उसे पसंद आ जाएगी उससे उसकी शादी कर दी जाएगी। वाह डैडी, उनकी पसंद पसंद और हमारी पसंद कुछ नहीं। अरे बेटे, इस घर में तेरी या मेरी पसंद चलती कहाँ है। देख बेटी, मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए, अच्छी तरह से देखभाल करना। मेहमान के पिंजरे में बंद है। क्या मतलब? देखभाल तो जानवरों की होती है। चुप, छोटा मुंह बड़ी बात। मम्मी पहले बीवी को तो चट कर गया, अब दूसरी को खाने आया है, ऊपर से एक बच्चे का बाप। वाह, तो क्या हुआ, पैसे वाला है? मम्मी, दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। फिर क्या होता है री? प्यार। वो तो शादी के बाद हो जाएगा। रही बच्ची की बात, वो एक दिन शादी करके चली जाएगी, फिर तो राज करेगी। अरे महाराज, आप यहाँ नीचे क्यों बैठे? ऊपर बैठिए। अरे बैठिए सर। अरे एक ही बात है महाराज। महाराज क्या करते हो? महाराज क्या करते हो महाराज? कहाँ हमको नरक में धकेलते हो? अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गर्गवाद चेली? अरे ना रहा कोई खेली ना कोई तेली बाबा, सब एक बराबर। महाराज आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं, आपको पगार क्या मिलती है? अरे महाराज कहते हुए शर्म आती है, आप सुनेंगे तो आपको दुख होगा। सिर्फ 50 रुपल्ली। मुंबई जैसे शहर में इतनी महंगाई में? अरे महाराज क्या कहें, कई बार मालिकन से कहा कि हमारी पगार बढ़ाओ, लेकिन उनके कान पे जू तक नहीं रेंगती। कहाँ जू नहीं रेंगती? कान पे। अच्छा अच्छा महाराज, थोड़ा तंबाकू। इलो महाराज, महाराज ये बम्बई जैसे शहर में खाना बनाने वालों की कोई यूनियन नहीं? अरे कहे की यूनियन महाराज, अपनी अपनी ढबली और अपना अपना राग। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि ये पगार कैसे बढ़ेगी। अच्छा बताओ। जब कोई मेहमान घर में आए तो अपने मालिक से कहो कि पगार बढ़ाओ, वरना वरना काम बंद, संपूर्ण हड़ताल। अरे ये क्या काम है? बाल नहीं, काम रोको, हड़ताल। हड़ताल क्या मतलब? अरे दूध उबल रहा है, दूध उबल रहा है। अरे उबले जाओ, दूध चाहवे के बाद हड़ताल किया है, समझो का? तनख्वाह बढ़ाओ, पगार बढ़ावा। हाँ हाँ बढ़ा देंगे। तो आज ही तनख्वाह बढ़ाओ। हाँ हाँ पगार बढ़ावा। अरे मेहमानों को चले जाने दो, फिर बढ़ाऊंगी। तो मेहमानों के जाने के बाद ही खाना पकेगा। मेहमान चला जाइए तब घर का काम होई। अरे ये क्या पागलपन है? तनख्वाह बढ़ाओ, पगार बढ़ावा। तनख्वाह बढ़ाओ, पगार बढ़ावा। तुम लोग मुझे ऐसे वक्त में दबा रहे हैं जबकि मेहमान मेरे घर में है। पगार बढ़ावा। नहीं बढ़ाऊंगी तो। तनख्वाह बढ़ाओ, पगार बढ़ावा। तनख्वाह बढ़ाओ, पगार बढ़ावा। तुम्हारी ये हिम्मत है? अरे सुनते हो, सुनते हो? आया आया। अरे क्या हुआ शबाजी महाराज? इन दोनों की पगार चुकता कर दो और निकाल दो इन नमक हरामों को यहाँ से। क्या बात है शब्दन? अरे ये पति नहीं जाने क्यों बैठे हो बल्सी महाराज? तनख्वाह बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ। अच्छा अच्छा बल्सी है, तो कह रहे हैं महंगाई का जमाना है, बढ़ा दो ना। हमारे लिए महंगाई नहीं है क्या? तनख्वाह बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ, और बढ़ाओ घरों में या नहीं? समझौते की बात करो। मैं किसी शर्त पर समझौता करने को तैयार नहीं हूँ, निकाल दो इन नमक हरामों को यहाँ से। तनख्वाह बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। कोई फायदा नहीं, मैं मजबूर हूँ, मैं इससे ज्यादा और कोई मदद नहीं कर सकता। पैसे लो और जाओ। यार
जो मजा अपनी देसी बीज बन गुड़िया में है और अपनी खुलिया में है, वो इस बंगले और विदेशी सिगरेट में कहा। अभी घास है घास है। अमर बाबू, ये दयाल, दयाल को खाना वाना बनाना आता है क्या? क्या बात कर रही हैं आप माजी? अरे हमारे भोपाल की बेगम साहिबा है ना, जब भी उनके यहाँ दावत होती है तो हमारे दयाल को ही बुलाते हैं। कम्बख्त क्या खाना बनाता है, लोग खाने के साथ अपनी उंगली खा जाते हैं। वाह वाह बस बस बस, इतनी तारीफ इतनी तारीफ, आप जैसे लोगों ने ही नौकरों को सर चढ़ा रखा है। तोबा 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 तोबा। दयाल, ओ दयाल सुन तो। दयाल। हाँ माँ जी। देख, तेरे मालिक जब तक यहाँ रहेंगे खाना तुझे ही बनाना पड़ेगा। मुझे? हाँ तुझे, तू कहीं का बादशाह है क्या? अरे नौकर जहाँ भी रहेगा नौकर ही रहेगा। लेकिन माँ जी मैं बाप। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अमर बाबू ने कहा है तू बहुत अच्छा खाना बनाता है। अमर बाबू ने कहा? हाँ अमर बाबू ने कहा, जा खाना बना। और सुन, पूरी मगर अच्छी तरह तलना। हाँ सुन, दयाल से कहा है मैंने खाना बनाने के लिए, उस पर नजर रखना कहीं कुछ चुरा उरा ना ले। माँ जी वो ऐसा आदमी नहीं है। तेरा रिश्तेदार है क्या? उसका मालिक सीधा साधा है, वो बड़ा चालाक लगता है मुझे। मुझे तो डर लगता है कहीं वो खाना बना भी सकेगा या नहीं। अरे अमर ने खुद कहा है मुझे वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। जा तो ऊपर का काम कर। और सुन, उस पर नजर रखना कहीं वो खाना खाने बैठे तो अपनी थाली में घी गुना उंडेल ले। जा। अरे ये क्या आटा गुना है? इससे थोड़ा पानी ज्यादा पड़ गया। नहीं थोड़ा पानी ज्यादा पड़ गया। अमर बाबू ने तो माजी से कहा कि दयाल बहुत अच्छा खाना बनाता है। हाँ वो दयाल तो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। वो दयाल? तुम्हारे यहाँ दो दो दयाल है क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं तो दयाल हूँ। हमारे मालिक को मजाक करने की बहुत आदत है, कभी वो अमर बाबू बन जाते मुझे दयाल बनाते, कभी मुझे अमर बाबू बनता दयाल होते। तुम हाथ दो और सब्जी काटो, मैं गूंथ देती हूँ। चलो सब्जी काटते हैं। चलो अच्छा हुआ ज्यादा नहीं। कितनी दया है तुम्हारे दिल में? अरे इंसान के दिल में दया ही ना हो तो इंसान ही। कुछ ही दिनों की पहचान में। कुछ ही दिनों की पहचान? अरे मुझे तो ये पहचान बरसों की लगती है। भले आदमी का स्वभाव यही होता है। तुम्हें मैं भली लगती हूँ? भली नहीं, देवी लगती हूँ। क्यों बना रहे हो? बनाना क्या, जो दिल मानता है वही मैंने कह दिया। अच्छा तो फिर सुनो, क्या क्या मानता है तुम्हारा दिल? मेरा दिल मानता है तुम परोपकार की देवी हो। रहने दो रहने दो, क्यों मस्का मार रहे हो? मस्का आदमी को थोड़ी लगाया जाता है, रोटी पे लगाया जाता है। आप दोनों का रंग रूप देखने के बाद मेरे दिल में कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं। शोभा जी पूछिए। आप लोग जानते हैं करेला? जानती है? हाँ हाँ। करेला कैसे पकाते हैं जी? नहीं मालूम। नहीं मालूम? ये तो हर औरत को मालूम होना चाहिए, खाना पकाना तो एक कला है। कला है? शशि कला है। बिल्कुल, और जो औरत को खाना पकाना नहीं आता वो तो ऐसी होती है जैसे बगैर सिंग और दूम के भैंस। पहले भिंडी को जीरे से छौंकते हैं। तुम्हारी बदौलत में खाना बनाना सीख गया। और तुम्हारी वजह से जिंदगी मिल जाएगी। भेड़ी डालू पति ने? माजी? हाँ माजी, आपने मालिक
दयाल को खाना बनाने के लिए क्यों कहा? वो बेचारा बहुत बीमार है। बीमार है? हाँ। क्या बीमारी है उसे? अब वो उसके उसके पेट की टांग की हथेली, नहीं नहीं, उसके उसके पेट में गड़बड़ है। डॉक्टर ने कहा खाना नहीं बनाने को। अजीब डॉक्टर है, खाना बनाने के लिए मना कर रखा है और खाना खाने के लिए कह रखा है। फैमिली डॉक्टर है ना माँ जी, खाना तो बेचारा दयाल मेरी वजह से खाता है। अगर ऐसे ही था तो आप खाना बनाने के लिए मुझे कहते। तुमको? हाँ, मैंने पाक शास्त्र सीखा हुआ है, आज खाना मैं बनाऊंगा। वाह, बहुत अच्छी पूरी बना लेते हैं। पूरी गोल हो या आड़ी टेढ़ी हो, पूरी पूरी है। अरे 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 अरे, अमर बाबू ये आप क्या कर रहे हैं? जिंदगी भर पापड़ मैंने बेले हैं, पूरियां मैंने बनाई हैं। अमर बाबू इतना कड़वा मजाक अच्छा नहीं, यहाँ दयाल को दयाल ही रहने दीजिए। हाँ लेकिन अमर बाबू, दयाल बाबू, दयाल वो मजाक माता जी कर रही हैं, मैं नहीं। वो खाना दयाल से नहीं, अमर बाबू से पका रही हैं। मेहमान के साथ जो आता है वो भी मेहमान होता है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम जाओ, रसोई का ख्याल मैं रखता हूँ। वारे मेरे रसोई, ये पूरी बनाई या हिंदुस्तान का नक्शा? अमर जी आप ये क्या कर रहे हैं? केवल आपके लिए भोजन और ये डिजाइन वाली पूरी बना रहा हूँ। आप रहने दीजिए, मैं बनाती हूँ। जी देखिए, मैं आपका सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि आपका रसोड़ा भी हूँ। रसोईया मुझे माफ कर दो अमर बाबू, मुझसे गलती हो गई, मैं बनाऊंगी खाना। अगर आप कहती हैं तो फिर ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। दयाल तुम जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो। गीता तू पूरियां बेल, मैं चलती हूँ। माता जी मुझे भोजन से पहले स्नान करने की आदत है, अगर गीता पूरियां बेलेगी तो मेरे स्नान का प्रबंध कौन करेगा? जा इनके नहाने का इंतजाम कर दे। वो देखिए पूरा चला रहा है। पूरा? पूरा नहीं, पूरी। माता जी को पूरी बनाने में मदद करो। माँ मैं क्या करूं, नाच मेरे सर पर, पूरियां बना, मैं चलती हूं। तो दयाल के पेट में दर्द है, सिर्फ खिचड़ी उबाल कर देना उसे, अब कुछ मत देना खाने को। दोपहर को भी खिचड़ी, अभी भी खिचड़ी। आपके पेट में दर्द है ना? पेट में दर्द? मेरे पेट में दर्द? किसने कहा? तुम्हारे मालिक ने। मालिक? जब उनके पेट में दर्द होता है तो मेरा नाम लेते हैं। ये क्या खिचड़ी में तेल? नौकरों की खिचड़ी में तेल नहीं होगा तो क्या घी होगा? इसी भेदभाव ने मालिक और नौकर के प्यार को मिटा दिया, कोई हमदर्दी नहीं रही। तुम कभी भोपाल आके देखो, मालिक नौकर एक समान होते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। हाँ हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, आप यहाँ आपके मालिक एयर कंडीशन रूम में है? वो तो मैं अपनी मर्जी से स्कूटरी में ठहरा हूँ, वैसे मालिक तो मुझे अपने साथ ही ठहरा रहे थे। खिचड़ी खा? खाने को जी तो नहीं करता लेकिन नौकरों की मजबूरी को इज्जत देने के लिए मैं खा रहा हूँ, वैसे भूख भी बहुत लगी थी। क्यों मेरा मजाक किया? हमारे दिन फिर है मालिक, जो आपके साथ में मजाक करें। मालिक कितनी डांडी गिरी? डांडी? डांडी टिकट विकेट। विकेट? हाँ चार। तुमने उस दिन क्यों कहा मेरी अतड़ी में पतड़ी में दर्द है? हम घबराहट में बोल गए थे। जानते हो मेरे साथ क्या गुजरी? क्या गुजरी? वही जो अपने क्रिकेटरों के साथ गुजर रही है। क्या हुआ? रात भर चूहे दौड़ते रहे स्टेडियम में। स्टेडियम में नहीं, मेरे पेट में, भूख के मारे। तो मैं अभी आपके लिए कुछ बना के लाता हूँ। अरे भांडा फोड़ने का इरादा है क्या? हम थोड़ी बनाएंगे, किसी फैमिली मेंबर से बनाएंगे। फैमिली नहीं। भांडी गिरी क्या मालिक? भांडी बोला नहीं, विकेट। हाँ कहाँ थे हम? फैमिली। अरे फैमिली नहीं। अरे पापू अरे आप अभी तो तैयार नहीं हुए, पीछे चलना है ना? मालिक दयाल, दयाल ये कह रहे हैं कि मुझे पिक्चर चलना है, कैसे जाऊं? जाना आप
जाइए। कैसे तुम मैं दयाल, तुम जानते नहीं हो हिंग खाने के बाद में मुझे क्या होता है, मेरा सर फटने लगता है। हिंग खा ली? हाँ सर में दर्द है। मैं अभी दवा लाती हूँ। हाँ दयाल जरा जोर से। हाँ मैं नीचे। मालिक और कोई डाली गिरी? राघवन द रिजल्ट ऑफ सिक्स ऑस्ट्रेलियन विकेट फॉलन एट द टोटल ऑफ 352। अमर बाबू क्या दयाल? हाँ तुम ऊपर क्या कर रहे हो? मालिक मालिक मैं पैर दबा रहा हूँ। नीचे बैठ के दबाओ। बहुत दर्द है। बहुत दर्द कहाँ सर में? हाँ मेरे सर में दर्द है। मैं दबा दूँ? नहीं नहीं मेरे आराम। दर्द कैसे हो गया? जी वो हवा पानी में फर्क आ गया। हाँ, हाँ। आपने खाने ही कुछ ऐसा खिला दिया कि पेट में धड़ाम धड़ूम होने लगा। ठीक ही तो फरमा रहे हैं आप, पेट में खराबी होने से सर दर्द हो जाता है। हाँ। मैं दवा नहीं। अरे दवाई क्या करनी है, मैं एरंडी का तेल लेकर आई हूँ। अरे पी लो, ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। रोज लेते हैं, पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। देखो आज रात को खाना नहीं खाना। ओ, खाना भी नहीं मिलेगा क्या? और ये लो, ये सब तुम ले लेना। मालिक पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। मालिक पेट के लिए बहुत अच्छा नहीं पा रही है। मालिक अरे पानी के साथ मालिक के लिए हाथ में। मालिक मालिक मेरा पाँव, मेरा पाँव, आप मेरा पाँव। मालिक आई वहाँ से? नहीं मालिक यहाँ से आ रही है। अच्छा यहाँ से आ रही है। बस अब आते जाते रहो तुम। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, उसकी डंडी गिर गई। ये तेरी कैसी माया है, कभी धूप कभी छाया। देख तुझसे तो कुछ छुपा नहीं। ये जब से इतनी ध्यान आया है ना, कुछ अजीब सी हलचल मची है मेरे मन में। अब तो माजी के तीखे बोल भी मीठे लगते। देख आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि दयाल के मन में भी। मेरा ख्याल है कि मेरे मन में एक बात दबी हुई है, अगर मैं उसे बाहर निकाल दूं तो शायद चैन की नींद आ जाए। वो बात मैं कह दूं? दरअसल बात यह है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे कुछ ना कुछ होते रहता है। क्या क्या होता है? समझ में नहीं आता मुझे। वो तुम्हें कुछ नहीं होता क्या? वो खैर रहने दो, लगता है रात भर मुझे जागना ही पड़ेगा। नहीं बोलो तुम्हारे दिल में क्या है। किता ऐसा लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे दिन को तारे और रात को सूरज नजर आता है, चारों तरफ तुम ही तुम दिखाई देती हो। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते मेरे दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, गीता गीता मैं तुम्हें दिलोजान से चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करो? देखो दयाल माँ जी उठ जाएंगी, अमर बाबू जाग जाएंगे। जागने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं। आज मैं सारी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर तुमसे एक ही सवाल पूछूंगा, तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं? हाँ दयाल मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं यकीन कैसे करूं? तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी।
मैं जो कहूंगा वही करोगे? अच्छा फिर चलो, इसी वक्त मेरे साथ बाग में चलो। तुम जाओ, मैं आती हूँ। क्यों, मेरे साथ चलने में शर्म आती है? नहीं। तो फिर मैं जिस रूप में तुम्हारे सामने आना चाहती हूँ ना, उसे देखने के लिए सबर करना पड़ेगा। सबर? अच्छा। लेकिन आओगे ना? ये तो तुम्हारा ही जादू है। अब तो दयाल मुझसे पूछ रहा है तुम सचमुच आओगी या नहीं। अब तो मैं उसके साथ दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक भी जाऊंगी। अब आइयो। जरा सा सीधो हो जा जालिमा मारो जियो भटके। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। तोड़ के चूल्हे में झोंक दूंगी तुझे।
सोभा की माँ, मैं जरा गोपीनाथ जी को देखने जा रहा हूँ। गोपीनाथ जी को? और रास्ते में तिवारी जी का मकान पड़ता है, उसका क्या? अब तिवारी जी रास्ते में मिल जाए तो उसे राम राम भी ना करूँ। बड़ा जुल्म करती हो। एक जुल्म और कर दो तो जाते जाते रास्ते में उस जग्गू के बच्चे से कहते जाइए तेल घी का क्या हुआ, मेहमान आए हुए हैं। नमस्ते बाबा जी। जो आ गया जग्गू, मैं चला सोभा की माँ। माथा टेको बाजी, माथा टेको। जीता रहे जीता रहे। पर्चे में लिखी हुई सारी चीजें दे आया है ना माँ जी? दो चार चीज ज्यादा ही लाया हूँ। अरे जा रहे, बनिया भी कभी ज्यादा देता है? वनस्पति घी के बदल असली घी लाया हूँ माँ जी। अच्छा जा, रख दे रसोई घर में। माँ जी अब क्या है? अपने जग्गू का ख्याल रखना माँ जी। ठीक है, होली में अच्छी बख्शीश दूंगी। होली दिवाली को नहीं, मैं तो किसी भी शुभ मुहूर्त पे बख्शीश मांग लूंगा। ठीक है जा, रख दे सामान। शपन महाराज, ओ शपन महाराज, बंसी कहाँ चले गए सबके सब? लड़ाई पे क्या? वो तो नौकरी छोड़ के चले गए। नौकरी छोड़ के चले गए? और गीता? वो यही है। हाँ गीता है, शुक्र कोई आया जाए अपनी भला से। अरे भाई तुम कौन? नए नौकर क्या? जी नहीं, मेहमान। हो मेहमान? इसके अलावा गीता के? जी नहीं, सेठ जी का। ओ फिर ठीक है, यानी तुम दो दिन के मेहमान हो। ये आ गई। तुम्हें देखने के लिए कब से मेरी आंखें तरस रही थी। मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगी। हाय, अंधा होके भी तुझे ढूंढा करूंगा। जग्गू मैं सच। ए मिस्टर, सामान रखो, चलता बन। तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? गीता और मेरी नोकझोंक तो हमेशा चली आ रही है। क्यों मेरी बासमती है ना? जग्गू बकवास बंद कर, वरना मैं। वरना सर फोड़ दोगी क्या? गीता नहीं, मैं सर तोड़ दूंगा। मेहमान भाई सर क्यों फोड़ते? आप नारियल फोड़ो, वो शुभ मुहूर्त बहुत ही करीब है। अरे रे 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 रे, नारियल तो मैं भूल ही गया बासमती, अभी लाया मैं। जरा जल्दी करिए, माँ जी आ गई तो मुसीबत हो जाएगी। अब इससे ज्यादा और मुसीबत क्या होगी? आई कम, यू अंडरस्टूड? अंडरस्टूड।
आ गई तुम? आती कैसे नहीं? और इतने दिन से कहाँ थी? मुझे देखने एक लड़का आया है, घर में मेहमान है। तुमको देखने के लिए? घबरा गए? उसे तो शोभा दीदी ने पसंद किया है, मैंने नहीं। थैंक गॉड। लेकिन लड़का है बड़ा मालदार। अच्छा अच्छा, अगर उसने तुम्हें पसंद कर लिया तो क्या करोगी? कहीं तुम्हारा मन तो नहीं बदल जाएगा? अरे अरे, कहाँ जा रही हो, नाराज हो गई क्या? तुम बात ही ऐसी करते हो। अच्छा, आज से ऐसी बात नहीं करूंगा, ठीक है? आओ बैठो, पियो। क्या हाल है मालिक? अरे हाँ, क्या हाल चाल है दयाल? क्या बताएं मालिक, हाल तो ठीक है, चाल खराब हो गई। आपने ये सब पहना के मुझे फंसा दिया। तुमने मुझे फंसाया, मैंने तुझे फंसाया, अब दोनों फंस गए ना, तो निभाना ही पड़ेगा। मालिक हाँ, ये आप क्या कर रहे हैं? आदत पड़ गई है ना। ये आदत ज्यादा ना पड़ जाए कहीं, इसलिए दो चार दिन के अंदर अर्धांगनी पसंद करो और चलो यहाँ से। अर्धांगनी पसंद नहीं करनी पड़ेगी, उसका स्वभाव जांचना होगा। हाँ तो कोई मीटर लगा लो और स्वभाव जांच लो, लेकिन इसको पंचवर्षीय योजना मत करो। देखो अब ये पंचवर्षीय हो जाए या दस वर्षीय हो जाए, जब तक आरती माँ पसंद नहीं करेगी हमको यहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, आया। मालिक बेचारा फंस गया। मैं अंदर आ सकता हूँ? यस, कम इन। चाय लाया हूँ, यहाँ रख दो। शोभा जी, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं। हमारी वो आरती बिटिया है ना, हाँ, वो आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी, जी चाहता है उसे अपने से जुदा ही ना करूं। अच्छा, और आरती के डैडी? जब उनकी बेटी मुझे पसंद है तो वो क्यों नहीं पसंद होंगी? यानी आपको आरती के डैडी पसंद है? लेकिन वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं कौन जाने, मैं पूछूंगा। अच्छा तो दयाल, तुम पूछकर मुझे जरूर बताना। ये लीजिए शीला जी, आपकी किताब है, जितनी ऊपर थी सारी की सारी ले आए। ठीक है, खड़े क्यों शीला जी? अगर आप बुरा न माने तो मैं एक सवाल पूछू आपसे। हाँ पूछो। हमारी वो आरती बेटी कैसी लगी? बड़ी प्यारी बच्ची है। यार आपको पसंद है? हाँ। और आरती के पापा? वो माँ को पसंद है। यार आपको पसंद नहीं है? मेरी पसंद नापसंद की परवाह किसे है? लेकिन वो तो आपको बहुत पसंद करते हैं। वो तो मुझे भी पसंद करते हैं, शोभा दीदी को पसंद करते हैं, गीता को पसंद करते हैं, माँ को पसंद करते हैं। और कुछ पूछना है आपको? आरती, बात तो बता दीजिए, ये तुम्हारा नौकर है ना दयाल? हाँ। इसको तेरे पापा ने इतना सर क्यों चढ़ा रखा है? ये तुम्हारे बोलने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? बोल ना, मैं तुझे अच्छे अच्छे फ्रॉक ला दूंगी, अच्छे अच्छे मिठाइयाँ ला दूंगी, अच्छे अच्छी गुड़िया ला दूंगी। बोलना, तुम किसी से नहीं बोलोगी? नहीं बिल्कुल नहीं, तेरे मेरे ही ना बात रहेगी। तो मेरे पापा है ना? नमक बच्ची पर हाथ उठाता है, मैं भी तेरे मालिक से जाकर कहती हूँ, हट जा मेरी नखरों के सामने से। चल चल आओगी। अमर बाबू, अमर बाबू हाँ? आप जानते हैं क्या हुआ? दयाल ने आरती को थप्पड़ मारा ना। माँ जी ने आपको और कुछ नहीं बताया? नहीं, क्या हुआ? उन्होंने दयाल को थप्पड़ मारा, वो रो रहा है। मेरे दयाल को थप्पड़ मारा उस बुढ़िया ने? मैं उस बुढ़िया की दूसरी आंख भी छोटी कर दूंगा। मालिक, 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 ये इधर मारा आपको। मालिक पहले आप ये बताइए कि हम लोग यहाँ पर शादी करने के लिए आए या थप्पड़ खाने के लिए आए? आज उसने आपको मारा, कल मुझे मारेगी और परसों आरती को।
अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो मैं अपना सर फोड़ लूंगा, सर फोड़ लूंगा। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं, आखिर उसने मार दिया तो क्या हुआ, उम्र में मुझसे बड़ी है, माँ के समान है। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, तुम गुस्से में कोई गड़बड़ मत करना, वरना आरती को अच्छी माँ नहीं मिलेगी। मालिक दुनिया बहुत बड़ी है, जिधर देखो उधर माँ ही माँ नजर आती है, कैसे भी माँ ले लेंगे मालिक, यहाँ से चले जाएंगे मालिक। देखो यार, दिल को तार बनाने से कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, लेकिन कोई भी चीज हासिल करने के लिए कुछ न कुछ कुर्बानी तो करनी पड़ती है। अब तू धीरज शांत हो जा। मालिक शांत हो गया। बेटे मेरे पास मैंने अब क्या सुला दो ना, नींद नहीं आती है, जो कि दयाल को कुछ बोलू ना, मैं अपने रहने मेरी गुड़िया को नींद नहीं आती है। कैसे सुनाएंगे पक्षियों में छोटे छोटे सपने सजाए के, पहियों में नींदिया के पंख लगाए के, चंदा में झूले मेरी बिटिया रानी चांदनी रेशू, चांदनी रे छू।
क्या हुआ? अरे विजय, मैं तो एकदम फंस गई थी। वो तो अच्छा हुआ मुझे अचानक याद आया कि दो दिन के बाद अपनी एग्जाम है। हाँ। बस लाइब्रेरी जाने का बहाना करके हाँ। शोभा दीदी और वो अपने भोपाल वाले बुद्धू है ना हाँ। दोनों को चकमा देकर यहाँ चली आई। ग्रीन ग्रीन गोरी गोरी महिला हवेली हवेली नहीं होटल 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 खाना खाने का बैठी वाटर आपको पानी पीना है नहीं होटल में खाना नहीं खाएंगे ओह यू मीन टू से वेटर वेटर अच्छा ही हुआ जो शीला हमारे साथ नहीं आई भाई भाई भाई, भाई शीला नो काम आप इतना भी नहीं समझते माँ ठीक ही कहती है आप बहुत सीधे हैं हाथों को देख भाई साहब आपको ऐसा माचिस होगी माचिस तो नहीं है ये गैस का चूल्हा है ये माजी ने हमको सीधा क्यों कहा भोपाल में तो लोग हमें बाकटेड़ा कहते हैं भोपाल वालों की बात जाने दो क्या बात है विजय तुम कुछ घबराए हुए लग रहे हो क्या हुआ कुछ नहीं कुछ नहीं अरे ये तो अपनी शीला है शीला चलो चलते हैं चलो हाँ चलो चलो शीला शीला तुम यहाँ क्या कर रही हो मैं वो मैं लाइब्रेरी जा रही थी ना तो रास्ते में विजय बाबू मिल गए मेरे साथ जे में पढ़ते हैं विजय ये मेरी बड़ी बहन शोभा और आप है अमर बाबू भोपाल के बहुत बड़े रईस जिनका मैंने उस दिन तुमसे जिक्र किया था ना वो यही है अच्छा अच्छा तो आप ही हैं वो महाशय नमस्कार नमस्ते कॉलेज के जमाने में हम लोग भी इसी तरह लेबोरेटरी जाया करते थे जी जी इनका मतलब है लाइब्रेरी जी हाँ वैसे पढ़ाई के लिए मौसम बहुत अच्छा है जी बहुत अच्छा है अच्छा तो हम लोग चलते हैं ओके देर हो रही है नमस्ते क्या बात है इतने परेशान क्यों हो गए हम लोग भी घर ही चलते हैं मगर अभी तो हम लोग आए हैं और अब मैं तुमको कैसे बताऊं मेरा मन भी पहले से यूं कर रहा था अच्छा अच्छा कोई बात नहीं चलो हम लोग घर ही चलते हैं हाँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ साहब के पास ये लो मैं तुम्हारे लिए बंबई का हलवा लाया मेरे लिए बाजार गई थी हलवे को देखकर तुम्हारी याद आ गई ये बंबई की बहुत मशहूर चीज है लेकिन ये तो बहुत महंगा होगा तो क्या हुआ अपने पैसे से लाई हूँ लो खाओ रख दो मैं खा लूंगा क्यों मेरे हाथ से खाने में कोई हर्ज है हर्ज मैंने ऐसा तो नहीं कहा तो लो कैसा है अच्छा मेरे पैसे वसूल हो गए मैं तो सोच रही थी कहीं तुम्हें पसंद ना आया तो मीठा भी अच्छा एक बात बताओ मीठे से मीठा क्या होता है नहीं मां मैं बताऊं प्यार ये सारा हलवा तुम्हें खाना पड़ेगा तुम्हें हो तुमने खाया मैंने खाया एक ही बात गीता ये बुढ़िया तो हलवा भी नहीं खिलाने देती देखो सारा खा लेना मैं भी आती ठीक हूँ लेकिन आप कब आए यही 10-15 दिन हो गए हमको हम एक बात पूछें तुमसे जरूर पूछिए तुम ये कैसे भूल गए कि तुम एक घरेलू नौकर के भाई हो और आजकल जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो क्या वो ठीक रास्ता है तुम्हारे लिए आय साहब छोटा को सुधारने से पहले बड़ों को खुद सुधारना चाहिए अरे तो हमको जवाब देते हमने तुम्हें यहाँ पढ़ने लिखने के लिए भेजा या इश्कबाजी के लिए मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है भाई साहब गुनाह है स्टेट बनकर किसी भले आदमी को धोखा देना किसी भोली भाली लड़की की जिंदगी तबाह करना बताइए कहां के सेठ है आप कौन सी लॉटरी खुल गई आपकी कौन सी दौलत है आपके पास ए विजय अरे तेरे भाई को तो वफादारी की लॉटरी लगी है रे ये जो गरीब की खाल पर चमक दमक देख रहा है ना
ये सब हमारा नहीं है, हमारे मालिक का है। हमारे मालिक शोभा और शीला को परखने के लिए आए हैं। दोनों से किसी एक के साथ शादी करेंगे, मालूम नहीं किसके साथ शादी करेंगे। खुद तो नौकर बन गए हैं, हमको मालिक बनाकर फंसा दिया है और हम फंस गए। विजय, आज तक तेरे भाई ने किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद की। भाई साहब, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। भाई साहब मैंने अपने देवता समान भाई पर दोष लगाया, मुझे मानिए बाबा। अरे तू पागल हो गया क्या? अरे पागल हो गया तू? तेरा कोई कसूर नहीं है, तेरी जगह कोई दूसरा होता ना तो वो भी हमको खराब आदमी समझ आता है। विजय, हमारी बात सुन, हमारी एक बात मान ले। हुकुम करिए भाई, हुकुम। हम बड़े भाई होकर तुमसे विनती करते हैं, ऐसा मत कहिए भाई साहब, आपके एक इशारे में अपनी जान छवर कर। अरे तू हजार साल जी मेरे भाई, हजार साल। बताइए क्या क्या करना होगा? कहते हुए हमारा दिल भी बहुत टूटता है कि तुमसे हम तुम्हारी खुशियां छीन रहे हैं, लेकिन क्या करें, मालिक भी तो है, उनकी भी खुशी देखनी है। तुम मालिक के रास्ते से हट जाओ ताकि हमारे बाबू को खुशियां मिल जाए और आपकी बिटिया को मां मिल जाए। तुम अकेला को दिल से निकाल दो, हमेशा के लिए दिल से निकाल दो। मैं वादा करता हूं भाई साहब, मैं अपना प्रेम अमर बाबू की खुशी के लिए बलिदान कर दूंगा। ये है दुल्हा, ये है दुल्हन। ओ, इनकी शादी का है शुभ दिन। ये है अम्मा, ये है पापा और ये है दादी, और ये क्या है? दादा। अरे आग लगे तेरे मटकने में, इतनी नौकरानी बनाएगी क्या? बात की तरह बढ़ गई और बच्ची के साथ बच्ची बनकर खिलौने से खेल रही। मैं तो आरती का मन बना रही थी। चुप, मेरे सामने गठभर की जबान निकालेंगे तो खींच के रख दूंगी। आ बेटे चल मेरे साथ, आ जा। और सुन, फिर कभी बच्ची के साथ खेली तो ताले तोड़ के रख दूंगी। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा भुगत रही हूँ? क्या मैं इतनी गिरी हुई हूँ? किसी से तो प्यार के तौर पर नहीं पहुंचे, मैं आ गई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि माजी को अच्छा नहीं लगता, वो नाराज होती हैं। होने दो, मैं एक बार नहीं सो बा रहा हूँ। जी नहीं, आप बिल्कुल नहीं आई। चलो जाओ। मेरे पास सुख मेरा।
नमस्ते मालिक काका। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की। आओ ध्यान, ये लीजिए। वाह, पान तो बहुत बढ़िया बना के लाया भाई। हाँ मालिक, आपसे आज्ञा लेना है। आज्ञा किस बात की? हम वतन जाना चाहते हैं कल। अरे भाई, अभी तुम्हें आए कितने दिन हुए हैं? हमसे कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई जो तुम जाना चाहते हो? नहीं नहीं मालिक, बड़ा ही आनंद है। लेकिन वो कहावत मशहूर है ना कि मछली और मेहमान में 3 दिन के बाद बू आने लगती है। क्या बात है जी? अरे भाई जो समझाओ, ये कल वतन जाना चाहते हैं। जाना चाहते हैं? क्यों? बात यह है मालकिन, मेहमानों का ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं लगता। दुनिया क्या कहेगी, ये लोग लड़की देखने आए या डेरा डालने? वतन पहुंचते ही मालिक अपना फैसला लिख देंगे। क्यों, यहाँ फैसला देने में कोई शर्म आती है क्या? देखो, 25 तारीख को मेरी शादी की सिल्वर जुबली है, उसके बाद सोचेंगे। आपकी शादी की? क्या सिल्वर जलेबी? इनकी शादी की और तुम्हारी नहीं? एक ही बात है, इनकी मेरा मतलब है हमारी शादी को 25 साल हो चले और ये जश्न मनाना चाहते। अच्छा ये बात है, फिर तो मैं मालिक से कहूंगा हम लोग जरूर रुकेंगे, आपकी शादी की सिल्वर जलेबी की जलेबी खाकर ही जाएंगे। कुछ भी कहिए, हमारा भोपाल छोटा शहर ही सही लेकिन बहुत ही खूबसूरत, वहां का हर इंसान हंसता हुआ नजर आता, वहां के पहाड़, ताल, दरिया, नदियां, उधर दिए जो उगादान, खानदान, पानदान, थूकदान, किसी भी चीज का जवाब नहीं। अच्छा और बम्बई? बम्बई के बारे में अगर कुछ कहूंगा तो इस घर में बम फट जाएगा। बम फटता है तो फट जाने दीजिए, मगर आप कहिए जरूर। तो बस सुनिए, हमारे भोपाल में जब भी कोई मेहमान आता है ना तो हम लोग उसे सर आंखों पर बैठा लेते हैं और फौरन जो भी खाने की चीज होती है उसके सामने लाके पेश कर देते हैं। बम्बई में कोई भी आता है तो उससे पूछा जाता है कि आप ठंडा लेंगे या गर्म, अब भला आदमी कैसे बताएगा कि मैं क्या लूंगा। मारे अपने जाने की तारीख नक्की होगी। कब मारे? दयाल, वो अपने यहाँ के जो मालिक है ना उनकी शादी की सिल्वर जलेबी की जलेबी खा के जाएंगे। यस यस, मम्मी की शादी की सिल्वर जुबली है और वो भी किसी पर चिल्ला दी। हुबली? तुमको हुबली बोलना नहीं आता? अमर बाबू, हुबली नहीं जुबली। वही 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 मेरे अनपढ़ जाहिल है मैं। अच्छा एक बात बताइए, उस दिन आपके वहाँ जश्न भी होगा? हाँ जरूर होगा। और नाच गाना? वाह, फिर तो आपके जश्न को चार चांद लग जाएंगे। क्यों क्यों क्यों, कैसे? हमारे जो मालिक है ना बहुत अच्छा गाते हैं। ये बताशे पे नाचते हैं और मजा है कि बताशा टूट जाए। बताशा नहीं टूटता, जमीन फट जाती। मजाक करते हैं। और जब ये आलापते हैं तो मजा है कि हिरन इन्हें हार पहनाए बगैर चला जाए। दरअसल हमारे भोपाल में संगीत इन्हीं के घराने से तो बाहर निकली है। दयाल, सुना आपने क्या इन्होंने आलापा है? मालिक आपने मुझे कौन से राग में बुलाया? भैरवी में? राग कुसवी? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये फसवी राग था, रागे फस। देखी
दिल किसी काबिल नहीं। ए बल्ला, ए बल्ला, ए बल्ला, ए बल्ला। तेरी नजर उस दिल पे है जो दिल किसी काबिल नहीं। दिल में तेरे वो बात है जिसका कोई हासिल नहीं। सुन ऐ मेरे बंदा नवाज, ये सब तेरे अंदाज़ो नाज। हो जाएगा इनका इलाज, आने तो दे वो दिन जरा। सुन ऐ मेरे बंदा नवाज, ये सब तेरे अंदाज़ो नाज। हो जाएगा इनका इलाज, आने तो दे वो दिन जरा। आने तो दे जाने जिगर, आने तो दे जाने जिगर वो दिन जरा। ये दिल नहीं तेरा इलाज, तेरी दवा कुछ और है। तेरी अदा, तेरी अदा, तेरी अदा कुछ और है। जलवे भी देखे हैं मगर तेरी अदा कुछ और है। बातें वक्त की तू क्या करे मैं क्या करूं। सारी है बातें वक्त की तू क्या करे मैं क्या करूं। आंखों में है सादा जहां, कोई तेरे जैसा कहां। देखे हसीना ने जहां, पर तू निराली चीज मैंने सारा जहां, कोई तेरे जैसा कहां। देखे हसीनों ने जहां, पर तू निराली चीज है। कहूं क्या जाने जहां, चीज है तू तेरी कसम। तुझ में वो जो एक बात है समझे जनाब, तुझ में वो जो एक बात है। ऐ दिल रुबा कुछ और है। हजारों बासमती नहीं नहीं घी तो जग्गू। हाय कितने प्यार से मेरा नाम लिया है जग्गू। हाय अच्छा ये तो बताओ कि अपने घर वाले सब कहाँ गए? बाहर घूमने। भगवान करे लौट के नहीं आए। फिर बस मैं और तुम। क्या मतलब? मतलब ये कि दिल खोल कर दुनिया को भूल कर मोहब्बत की बातें करेंगे। अच्छा मोहब्बत की बात करेंगे? आगे तो मौसम और मौका बड़ा ही सुहाना है। अच्छा प्यार से नहीं मानेगी हैं? मैं सालों से तुझे प्यार कर रहा हूँ, कैसे छोड़ूं? ऐसी हालत है तेरी, कैसे छोड़ूं? आज तक जग्गू के सामने किसी ने जबर चलाने की हिम्मत नहीं की, भला इसी लड़की से चले जाओ। आज तक मेरे सामने भी किसी ने किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत नहीं की। जान की खैर चाहते हो तो उल्टे मारो पे चले जाओ। मत
भूलो कि तुम इस घर में मेहमान। 10 साल से मेरा इस घर में आना जाना और किसी ने जू तक नहीं की। और फिर ये मेरा निजी मामला है, ये मेरी मंगेतर है, मेरी से शादी होने वाली। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? बकवास बंद करो वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे जा जा, ये कीड़ा भक्की किसी और को देना, समझो तेरी। बहुत मार लगी है क्या? कुछ नहीं हुआ। दिखा, खून बह रहा और कह रहा कुछ नहीं हुआ। लाओ मैं पोंछ देती हूँ। नहीं ठीक है, जरा सी मार लगी है। हाँ मुखा मेरे कारण उसे झगड़ा मोड़ लिया। उसकी ये हरकत देखने के बाद कोई भी भला आदमी उलझ जाता। आज के सबक के बाद ये लड़कियों को छेड़ना भूल जाएगा। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान क्या, ये तो मेरा फर्ज था। ये दूध किसके लिए है? मेरे लिए है। नहीं, मेरे लिए है। अच्छा एक बात पूछती हूँ, सच सच जवाब दोगी? सच्ची सच्ची, मुझे देख के कहो सच्ची सच्ची। मैं तुम्हें कैसी लगती? बहुत अच्छी लगती हूँ। बहुत अच्छी लगती हूँ। और दयाल को क्या मालूम? मगर मुझे दयाल बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पापा? तुम्हारे पापा नहीं, तुम्हारा वो नौकर है ना दयाल, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वही तो मेरे पापा है। दयाल तुम्हारे पापा है? और अमर? अमर झूठा पापा। ऐसा क्यों? नहीं बताओगी? नहीं। क्यों? नहीं तो मैं नहीं मर नहीं आएगी। पापा पापा नहीं, दयाल काका। अच्छा आरती बेटे, ये शीला तुमको प्यार करती है ना? हाँ करती है। तुम्हें अच्छी लगती है? मुझे तो गीता अच्छी लगती है। गीता? हाँ अच्छी लड़की है वो। तुम्हें अच्छी लगती है? हाँ अच्छी लगती है। तो उन्हें मम्मी बना लो ना। बेटे ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। बेटे उसकी शादी तो किसी और के साथ होगी, आखिर नौकरानी है वो। तो मम्मी नहीं बन सकती है? बन तो सकती है। गीता, गीता। मुझे काम है। काम बाद में कर लेना, सिर्फ 2 मिनट की बात करनी। कहिए। ये बच्चे भी कितने मासूम होते हैं, उनकी नजर में ऊंच नीच छोटे बड़े उसका कोई भेदभाव नहीं रहता, सबको एक ही नजर से देखते हैं। और मासूमियत में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा जाते हैं। और देखिए ना, कल ही कह रही थी कि मैं तो गीता को ही अपनी मम्मी बनाऊंगी। आपने क्या कहा? मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि आखिर मालिक मालिक हैं और हम लोग नौकर हैं। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक लड़का मेरी नजर में है। मुझे किसी की कोई हमदर्दी और एहसान की जरूरत नहीं। ठीक है, मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैंने अपनी किस्मत के जगमगाते सितारे देखे, लेकिन आंख खुली तो एहसास हुआ सपना सिर्फ सपना होता। बहुत बहुत धन्यवाद अमर बाबू, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे अपनी किस्मत पर छोड़ दीजिए। Thank you.
आया है, क्या नहीं बीती फिर भी तुझे बहलाया है, तेरे लिए मैं रहा गली गली घूम चांदनी रे झूम, माथा टेकू माजी। माँ जी, आपके शादी का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन बड़े धूमधाम से मनाया गया, लेकिन आपके इस खादिम जग्गू को माँ जी कुछ भी नहीं मिला। क्या तुम 21 रुपए दे दो? नहीं माँ जी, 51 रुपए दो। अरे नहीं माँ जी। अरे तो क्या हाथी घोड़ा दो? नहीं माँ जी, बस गीता का हाथ मेरे साथ। गीता का हाथ? हाँ माँ जी, वरना वो दयाल के साथ एक दिन उड़ जाएगी और मैं हाथ मलता रह जाऊंगा। ये क्या कह रहा है तू? हाँ माँ जी, यही हो रहा है, वो दयाल के साथ शादी करना चाहती है। अगर वो दो कौड़ी के नौकर के साथ शादी करना चाहती है तो मैं तेरे साथ शादी करा दूँ। जाओ माँ जी, जाओ माँ जी, मैं आपकी, भगवान आपकी चुगली करा दे। माँ जी तो फिर मुहूर्त निकलवा, ज्यादा तैयारी कर, चले मुंह मीठा कर। जाओ माँ जी। देख लिया मेरा तमाशा, हो गया कलेजा तुम्हारा ठंडा, हो गई तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी, या देखने को और भी कुछ बाकी है? अगर बाकी है तो देख लो, जी भर के देख लो। तुम तमाशबीन हो, बड़ा आनंद आता है तुम्हें तमाशा देखने में। एक गरीब पे जुल्म हो रहा है और तुम चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। अगर तुम वही हो तो बोलो, दिखाओ अपना करिश्मा, चलाओ अपना सुदर्शन चक्र। अरे जाओ, तुम क्या बोलोगे? तुम तो गुंगे हो, बहरे हो, मिट्टी के मफ, और तुम्हारा दिल पत्थर का है, ना उसमें किसी के लिए दया माया दुख दर्द कुछ भी नहीं। सुनो, तुम्हें मेरे जाने का दुख नहीं है? मुझे है, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। तुम ही मेरे माता हो, मेरे पिता, सखा हो, बंधु हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। ठीक है, मत बोलो, मैं भी तुम्हारे सामने नहीं गिड़ाऊंगी, दया की भीख नहीं मांगूंगी, मैं भी तुम्हारे सामने नहीं रहूंगी। तुम तो पत्थर हो, पत्थर की मादा। मैं जाती हूं। माँ जी, मैं जा रही हूं। कहाँ जा रही? जहां तीन सामान, जहां दो पैर ले जा। हाँ मैं जानती हूं, दो कौड़ी के नौकर के साथ भाग जाना चाहती है ना? ना नौकर के साथ और न मालिक के साथ, मैं अकेली जाती। नहीं, तू कहीं नहीं जा सकती, तेरी माँ ने तुझे मेरे हवाले किया था, मुझे सौंपा था, मेरे अधीन रखा था। मेरी माँ ने मुझे जरूर आपके अधीन किया होगा, आपके पास बंधा रखा होगा, लेकिन सिर्फ आपकी गुलामी के लिए, आपकी सेवा के लिए। जा, जा, बक रही है तू। बस माँ जी, कह रही हूँ, पूछ रही हूँ आप, कौन होती है आप जग्गू से मेरी शादी करने वाली? क्या अधिकार है आपको? अरे वाह, सवाल चला रही है, मेरा सामना करने पे उतर आई है। और वाह, क्या जुर्म कर रही है? ये तुम कह रहे हो? जी। जब उसकी आवाज में अपनी आवाज बनाना चाहते हो? शोभा की माँ जब जुर्म हद से बढ़ जाता है तो पत्थरों से भी आवाज फूटने लगती है। गीता की माँ ने तुमसे ये नहीं कहा था कि गीता का हाथ जग्गू जैसे किसी अरे घर के हाथ में पहुंचे? हाँ हाँ, जग्गू से करूंगी मैं उसकी शादी, जग्गू से वादा किया है। तो मेरी भी सुन, मेरे जीते जी गीता की शादी तुम जग्गू से नहीं कर सकते। मैं उसकी शादी जग्गू से करूंगी, जग्गू से। तो
तुम देखते रहना, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता। गीता मालिक, गीता भी उस तरफ जा रही थी, उसके हाथ में एक पोटली भी थी। उसे बहुत दिनों पहले चले जाना चाहिए था। क्यों मालिक? क्या बताऊं दयाल, भगवान किसी बच्चे को अनाथ ना बनाए। गीता दुर्गा की एक सहेली की बेटी है। ये बच्ची अभी 2 साल की थी जब इसके पिता चल बसे, और कुछ दिनों बाद इसकी मांग तो गई। मरने से पहले ने गीता को दुर्गा के सपूत किया, और इस नालायक ने उस देवी को वचन दिया कि वो गीता को अपने बच्चों की तरह पालेगी। ना जाने कितने अन्याय किए हैं उसने उस बेचारी को। कहाँ जाएगी बेचारी? मैं जाता हूँ उसे ना। नहीं मालिक, आप रहने दीजिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन, आप मामले साहब बोल रहे हैं? हाँ मामले साहब, मैं दुर्गा माथुर बोल रही हूँ। मेरे वहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनके नौकर के साथ मेरी नौकरानी है ना गीता, वो भाग गई। हाँ जी, उसका नाम दयाल ठाकुर है। जी हाँ, क्या लेकर गई है ये तो मालूम नहीं है वागले साहब, अभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो भाग गई है। उसे फौरन पकड़ कर मेरे पास लेकर आई है। जी हाँ। विजय, 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 चलो अब तुम जल्दी चल के सीरा से ये कह दो कि तुम शादी नहीं कर सकते, और हम भी सुबह से ये कह देंगे हमको बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद में मालिक की शादी दोनों में से किसी एक के साथ में हो जाएगी। चलो। ए विजय, तुमने अपना इरादा बदल तो नहीं दिया? नहीं नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। चले चले। गीता, 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 कहाँ जा रही हो तुम? जहाँ ये दो पैर ले जाए, दुनिया बहुत बड़ी। नहीं, मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, और फिर आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मैं भले तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया है तो ये सब कुछ। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मुझे आप जैसे झूठे इंसान से कोई संबंध नहीं रखना, जाने दीजिए। नहीं गीता, ये सच है कि मैं झूठा हूँ, लेकिन मेरी आरती तो सच्ची है, और उसने तुम्हें माँ के रूप में मान लिया है, क्या तुम उसके खातिर भी नहीं लौटोगे? अमर बाबू, कहीं ना फिर सपना तो नहीं देख रही? नहीं गीता। वाह 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 वाह, तो एकदम एक दिख रहे हैं। अबे दयाल के बच्चे, उस दिन तूने मुझे बाल्टी में कपड़े जैसे धोया, आज मैं तुझे निचोड़ने के लिए इतने लोगों को लाया। बनिए का धंधा छोड़ के धोबी का धंधा कब से शुरू कर दिया? अभी दिखाता हूँ। इसलिए कि तुम्हारा एक दरवाजा बंद है। तुम्हारा नाम दयाल है क्या? जी हाँ, और इनका नाम गीता है। तुम्हारे बारे में रिपोर्ट आई है कि तुम लड़की को भगा के लाए हो। चलो मेरे साथ। पुलिस स्टेशन टेलीफोन करने का क्या मतलब है तुम्हारा? गीता ने कोई चोरी की है? भाई उसने नौकरी छोड़ी है, वो रहे या ना रहे उसकी मर्जी। मैंने जो कुछ किया ठीक किया, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अबे क्या है, देखो कौन आया है। कौन आया है? आओ आओ।
तेरे भाई ने किसे पसंद किया? शोभा को या शीला को? अभी कुछ बताया नहीं। कमला जी, हमारी शोभा अमर से शादी करने के लिए राजी जी। लेकिन अमर बाबू का मुंह काला कर दिया आपके वो मुंह लगे नौकर ने। मुंह काला कर दिया? क्या किया दयाल ने? कुछ नहीं कमला जी, ये इन्होंने कुछ कह रही है। जी हाँ, ये तो तब कहते हैं जब वो शोभा को भगा कर ले जाता। किसे ले गया दयाल? वो तो देवता समान आदमी है। हाँ, देवता समान ही तो हमारे नौकरानी को भगा कर ले गया। माँ जी, दीदी गीता जी कहाँ पर गए हैं? अरे वाह, तू तो मुंबई में आके बिल्कुल साफ बन गया है दयाल। दयाल? दयाल, ये सब क्या नाटक है? नाटक नहीं है माँ जी, दयाल हम हैं, अमर बाबू हमारा मालिक है। यहाँ आकर उन्होंने हमें मालिक बना दिया और खुद नौकर बन गए। पर क्यों? मैं बताता हूँ, हमारी लड़कियों के हाव भाव परखने के लिए, ताकि इनकी आरती को एक अच्छी माँ मिले। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, दयाल का बच्चा गीता को लेकर भाग रहा था। माँ जी बता दीजिए, गीता मेरी भगीदा है कि नहीं? क्या कह रहे हो दयाल? तो मेरे भैया है। ये जिसको दयाल कह रहा है ना, वो हमारे मालिक है अमर बाबू। गीता इस बदमाश की कोई मंगेतर मंगेतर नहीं, ये झूठ बोल रहा है। सर बकवास कर रहा है, हल्ला कर दीजिए। माँ जी, माँ जी, आपके पोते के बारे में बोलिए ना, मंगेतर है मेरी। किसी को मंगेतर भैया, तुम तो यहाँ लड़की पसंद करने आए थे ना? हाँ जी। तो ये सब क्या नाटक नचा रखा है? तुम नौकर और दयाल मालिक? ये सब क्या सिर्फ लड़की पसंद करने? तो फिर किसे पसंद किया, शोभा को या शीला को? दीदी, शोभा दयाल को चाहती है और शीला विजय से प्यार करती है। शोभा दयाल को प्यार करती है तो मैं समझ कर, और ये विजय कौन है? दयाल का छोटा भाई। फूट गई किस्मत, ये भी नौकर का भाई? बीए में पढ़ता है। अरे बीए में पढ़ता है या सीए में पढ़ता है, मेरी बेटी किसी नौकर से प्यार करे कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, बर्दाश्त करे या ना करे, लेकिन अपने बेटियों को तो पूछ लीजिए वो क्या करना चाहती है। आप दोनों चुप क्यों है बोले? जी हाँ, मैंने इन्हें मन से पति मान लिया है। हाँ, मैं विजय से शादी करूंगी। चुप रहे बेशरम, मैं तुम दोनों के दबाव खींच के चुने में छुप दू। देखा, देखा अपने भाई के करतूत। अरे तू क्यों नहीं कर लेता था भाभी से शादी? जी हाँ, शादी करूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी किसी नौकर से नहीं करूंगी। शोभा की शादी दयाल से नहीं होगी। दयाल अपनी मर्जी से नौकर बना, लेकिन गीता को आपने जबरदस्ती नौकरानी बना रखा है। गीता आपकी सहेली की बेटी है और दयाल के पिता मेरे पिता के खास दोस्त हैं। किस्मत से मेरे पिता धनवान हो गए और दयाल के पिता गरीबी के शिकार होकर इस दुनिया से चल बसे। उनकी मौत के साथ साथ दयाल की तरक्की के तमाम रास्ते बंद हो गए थे। इस बेचारे ने अपने छोटे भाई को किसी लायक बनाने के लिए जी जान मेहनत की। मैंने इसे सहारा भी देना चाहा, लेकिन इस देवता ने मेरे घर में नौकर देकर मुझे सहारा दिया। आज मैं दयाल को सगे भाई से ज्यादा प्यार करता हूं। ये बिल्कुल सच है दुर्गा जी। दीदी, आज मैं आपसे कह रहा हूं ये बात दयाल भी नहीं जानता। मैंने अपने खिलौने की फैक्ट्री दयाल और विजय के नाम कर दी है। इसकी जो भी आमदनी होगी इन दोनों के नाम जमा होगी। मालिक, दिल की दौलत और दुनिया की दौलत दोनों है। मैं आपसे अपने भाई दयाल के लिए शोभा का हाथ मांगता हूं और अपने छोटे भाई विजय के लिए शीला की भीख मांगता हूं। नहीं, मैं अपनी बेटियों की शादी कभी नहीं करूंगा। मैं करूंगा दयाल की शादी शोभा से और शीला की विजय। अरे रहने दो, तुम
होते, कौन है मेरी बेटी की शादी कराने वाले? कौन हूँ तुम? आज मुझे बताना ही पड़ेगा मैं कौन हूँ। शादी के 25 साल के बाद ये मैं कौन हूँ तुम? मैं इस लड़कियों का बाप होता और इस पत्नी का पति होता। अरे अरे क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? मैं नहीं बोल रहा, इन लड़कियों का बाप बोल रहा, इस पत्नी का। वो तू चाहती क्या? मासूम गीता की शादी को दो लड़के की आदमी चक्कू से करना चाहती है। इन अच्छे भले लड़कों को छोड़ के अपनी भोली भाली लड़कियों को करने को जाना चाहती है। क्या कर रहे हैं आप? वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। क्या बेटी, तू क्या समझती है मैं जानता नहीं तूने कितना सा है? मैं इसकी हर हरकत को नजरअंदाज कर रहा और ये मुझे कमजोर समझती है। बेटे, अब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया, मैं इसकी चमड़ी उधेड़ कर दूंगा। बाबूजी, आपको मारना है तो मुझे मारिए, लेकिन माँ जी को माफ कर दीजिए। माफी तो आज ये मांगेगी तुम, बोल माफी मांगती है कि नहीं? मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको, अपने बच्चों को बहुत तकलीफ दी। अब तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मम्मी 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 चांदनी रे झू, ओ चांदनी रे झू, चांदनी रे झू, ओ चांदनी।